Assalamualaikum, welcome to my channel Mathematics. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 सात क्वेश्चन नंबर 4 से. सो इससे पहले तो हम ये स्टार्ट करें, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी कीजिएगा. सो हम स्टार्ट कर लेते हैं. इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय यूनिटी, प्रूव दैट पी स्टार इज इक्वल टू 4q+1. सो सब हमारे पास रूट्स अगर डिफर बाय यूनिटी हैं, यानी दो रूट्स हैं और डिफर कर रहे हैं यूनिटी से, तो हमारे पास ये इसकी कंडीशन हो दी. तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं. ये हमारे पास माइनस बी बाय ए थे इस वाले, यहाँ पे ए है हमारे पास 1, बी है हमारे पास माइनस पी और सी है हमारे पास 2. सो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इस वाला आ जाता है माइनस इंटू माइनस पी बाय 1. सो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी. अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं. सी बाय अल्फा बीटा, सो अल्फा बीटा सी है हमारे पास यहाँ पे 2 और ए है हमारे पास 1. सो अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही हमारे पास 2. सो हमने कंडीशन जो हमारे पास दी है वो अप्लाई करनी है, यानी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. हमें यह दीवन है ना, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफर, मतलब आपस में डिफर कर रहे हैं यूनिटी से, यानी डिफर कर रहे हैं इनकी जो वैल्यू आई थी वो 1 से बराबर आई थी. सो तो यहाँ पर तो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है ही नहीं. सो इसके लिए हमें इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा. हम स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर हम 2 अल्फा बीटास में ऐड कर लेंगे. सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. जो हमारे पास आ जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1. ये हमारे पास 1 से बराबर है. अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है. सो हम 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर लेंगे, सबट्रैक्ट भी कर लेंगे. माइनस 2 अल्फा बीटा, अब ये आपस में कैंसिल करें, वापस से हमारे पास यही इक्वेशन बन जानी है ना, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा ये. सो ये बन जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, हमारे पास बन जाता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 2 इज इक्वल टू 1. सो ये आ जाता है यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा बनता है. सो पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इक्वल टू 1. ये माइनस इस साइड पे चला जाता तो प्लस में हो जाता, पी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 क्यू. तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो पी स्क्वायर हमारे पास 1 प्लस 4 क्यू से इक्वल है. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. फाइंड द कंडीशन डैट ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 5 में हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. यानी अगर हमारे पास ए रूट अल्फा होगा तो दूसरा हमारे पास माइनस अल्फा होता है, यानी अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब ए प्लस में होता तो दूसरा माइनस में होता. तो सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. तो इसके लिए हम ये एक्स माइनस ए फिलहाल इसे नहीं छोड़ते, पहले हम इस तो इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं. इस तरह तो हम ए और बी की वैल्यू नहीं पुट कर सकते ना. सो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स पे, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ऑन बोथ साइड्स. सो यह आ जाता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस बी बी बाय एक्स माइनस बी, और इसके साथ में मल्टीप्लाई होता. हम एक साइड पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें दोनों साइडों पे करना पड़ता है. तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ पे एक्स माइनस ए और ये भी एक्स माइनस ए है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो यहाँ पर इसमें कैंसिल हो सकते हैं. यहाँ पे ये एक्स माइनस बी और एक्स माइनस बी भी कैंसिल हो सकते हैं, पीछे बच जाता है एक्स माइनस बी
into a plus x minus a into b is equal to 5 x minus a x minus b. अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a मल्टीप्लाई बाय x हमारे पास ए एक्स होता है, फिर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b ए बी होता है माइनस बीच में माइनस ए बी, देन यहाँ पे हमारे पास है b मल्टीप्लाई बाय x एंड b मल्टीप्लाई बाय माइनस ए, तो ये हमारे पास प्लस बी एक्स माइनस ए बी बन जाएगा. और उसके बाद हमारे पास है इस साइड पे 5 इंटू एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, से हम इसे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पहले एक्स तो इस पूरे साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास एक्स इंटू एक्स एक्स देयर एक्स इंटू माइनस बी माइनस बी एक्स, देन अब माइनस ए तो इस पूरे साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए इंटू बी बी. सो ये हमारे पास आ गया. अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई से करने की कोशिश करते हैं. ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी माइनस ए बी हमारे पास माइनस टू ए बी बन जाएगा. देन अब इधर फाइव इस पूरे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव एक्स देयर माइनस फाइव बी एक्स माइनस फाइव ए एक्स प्लस फाइव ए बी. अभी सारे उस साइड पे शिफ्ट करते रहते हैं बारी बारी, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू ए बी. अब माइनस यहाँ पे प्लस फाइव एक्स देयर इस साइड पे आ रहा तो माइनस फाइव एक्स देयर बन जाएगा, यहाँ पे माइनस फाइव बी एक्स है तो यहाँ पे प्लस फाइव बी एक्स बन जाएगा, यहाँ पे माइनस फाइव ए एक्स है तो यहाँ पे प्लस फाइव ए एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे फाइव ए बी है तो यहाँ पे माइनस फाइव ए बी हो जाएगा. सो अब देखते हैं माइनस फाइव एक्स देयर पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ए एक्स इंटू प्लस फाइव बी एक्स फाइव ए एक्स तो हमारे पास सिक्स ए एक्स बन जाएगा. उसके बाद हमारे पास प्लस बी एक्स और प्लस फाइव बी एक्स हमारे पास सिक्स बी एक्स बन जाएगा. एंड नेक्स्ट माइनस टू ए बी और माइनस फाइव ए बी माइनस सेवन ए बी बन जाता है हमारे पास. सो यहाँ से हम माइनस सेवन ले लें, ए वाली वैल्यू हम पॉजिटिव में ले जाते हैं, तो यहाँ से हम माइनस सेवन ले लें ताकि एटलीस्ट हमारे पास ए वाली वैल्यू तो पॉजिटिव में आ जाए. क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं या किसी भी तरह नीचे माइनस तो शीश होती तो ना ही है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा प्लस सेवन ए बी. सो ये उस साइड पे चला जाएगा माइनस ख़त्म हो जाएगा फाइव एक्स देयर माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स बी एक्स प्लस सेवन ए बी. सो अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास फाइव है, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस इंटू सिक्स ए प्लस सिक्स बी है, मैंने माइनस सेवन लेते लिख दिया, और सी की वैल्यू हमारे पास सेवन ए बी है. सो अब हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं. सम हमारे पास यहाँ पे हमारे पास रूट्स हैं अल्फा और माइनस अल्फा, माइनस बी बाय ए से इक्वल होते हैं ये. सो अल्फा माइनस अल्फा माइनस इंटू माइनस सिक्स ए प्लस सिक्स बी बाय फाइव, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जीरो जीरो हो जाएगा सिक्स ए प्लस सिक्स बी बाय फाइव. अब ये फाइव इधर डिवाइजर में उधर जाते मल्टीप्लाई हो जाता तो ख़त्म हो जाएगा, पीछे बच जाता सिक्स ए प्लस सिक्स बी. अब यहाँ से हम सिक्स सामान ले लेते हैं, पीछे ए प्लस बी बच जाएगा, ये मल्टीप्लाई उधर जाते डिवाइड हो जाता तो ये भी जीरो हो जाता, पीछे ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी. सो ये हमने सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड कर लिया. अब हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करते हैं. बस तो यही हमारे पास इसका आंसर है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड नहीं करना, हमने ये कंडीशन फाइंड कर लिया जिस पर हमारे पास जो रूट्स हैं अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, यानी सेम है पर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है. सो ए प्लस बी हो तो हमारे पास रूट्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे. और क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें बता रहा है इफ द रूट्स ऑफ पी एक्स देयर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो और अल्फा एंड बीटा, यानी रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा है, प्रूव डैट अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस क्यू बाय पी इज इक्वल टू जीरो. तो हमारे पास इटरेशन जो है रूट्स अल्फा और बीटा ही हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो हमने प्रूफ करना है वो ये है. सो हम अपनी इटरेशन ले लेते हैं, वहाँ से हम सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड कर लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी. पी एक्स देयर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ए की वैल्यू पी है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास क्यू है,
और सी थ्री वाले भी हमारे पास 3 हुए, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई थ्री इक्वल होता है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस क्यू बाई पी थ्री। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेते हैं, सी बाय ए, सो सी थ्री वाली क्यू है, ए थ्री वाली पी है, सो अल्फा बीटा भी हमारे पास क्यू बाई पी थ्री इक्वल आ जाएगा। तो अब हम इस जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड किए उससे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, जैसे हमें जो वैल्यू चाहिए वो स्क्वायर रूट में चाहिए, सो लाजमी सी बात है यहाँ पर भी हमारे पास तो स्क्वायर तो होता है, इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट इंटू ए अल्फा अल्फा बीटा और ये आ जाएगा अंडर रूट क्यू बाई पी थ्री। अब हमारे पास एच ये वैल्यू आ रही है और ये हमारे पास है, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, वन ये हमारे पास टू है और थ्री, तो डिवाइडिंग वन बाय थ्री अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा इधर टू माइनस क्यू बाय पी टू क्यू बाय पी। सो अब हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं साइड वाली, तो ये बन जाता अल्फा बाय अल्फा बीटा और ये बन जाता बीटा बाय अल्फा बीटा, सो ये माइनस इधर ले लेते हैं, ये हमारे पास पावर वन है, इसे हम स्प्लिट करते टू अंडर रूट दो अंडर रूट में चेंज कर देंगे, आप देख सकते हैं वन बाय अंडर रूट और वन बाय अंडर रूट क्यों, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, देखें आप वन बाय अंडर रूट टू वन बाय टू और वन बाय टू इसे हम एलसीएम लें तो वन प्लस वन आएगा टू बाय टू, तो वापस से हमारे पास वन आ जाएगा, तो इसे दो दफ़ा अंडर रूट लेने से हमारे पास वापस से वन ही आ जाता है, तो हमने अंडर रूट इसलिए लिया था ये नीचे वाली वैल्यू हमारे पास ख़त्म हो जाए क्यू बाई पी, सो क्यू बाई पी ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी हम सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट क्यू बाई पी है माइनस के साथ, सो यहाँ पे भी हमारे पास पावर वन है इन दोनों की, तो इसे भी सेपरेट करते हैं हम हाफ ऑफ पावर में ले जाते हैं, अब यहाँ पे अंडर रूट अल्फा अंडर रूट अल्फा कैंसिल, यहाँ पे अंडर रूट बीटा कैंसिल, सो ये आ जाएगा अल्फा बाय अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा बाय अंडर रूट अल्फा, ये माइनस में इधर आता प्लस में हो जाएगा, सो दोनों पे अंडर रूट अप्लाई हो रहा है, तो हम इसे होल पे अंडर रूट इकट्ठा ले लेते हैं, सो ये हमारे पास आंसर आ गया है, और ये हमारा इस वीडियो था लास्ट क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आप तो ये मेरी एक्सरसाइज जितने मेरे सवाल करवा दें समझ आ ध्यान दें, अगर आप तो मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो तो लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियोज़ तो दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि और लोग भी मेरी वीडियोज़ तो देखें, सो इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो तो लाजमी लाइक भी करें दें और शेयर भी करें दें, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।